महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार चुकी टीम इंडिया के समर्थन में उतरे हैं। हरभजन का मानना है कि सेंचुरियन टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 के चयन को लेकर आलोचना झेल रहे विराट कोहली का पूरा समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि कप्तान के तौर पर यह उनका पहला विदेशी दौरा चुनौतीपूर्ण है। पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी कोहली ने दूसरे टेस्ट में भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल नहीं किया था और अभी तक अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के लिए कोलकाता पहुंचे हरभजन ने कहा, हर कोई सुधार करना चाहता है। इस समय टीम को समर्थन की जरूरत है। हम उम्मीद के अनुरूप नहीं खेले हैं। शायद अगली बार ये सीखने के लिए अच्छी चीज है। उम्मीद है कि हम मजबूती से वापसी करेंगे। उन्हें एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। कोहली के पास जहां मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है, वहीं उन्हें ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन हरभजन ने भारतीय कप्तान की तुलना पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से करने से इनकार कर दिया। हरभजन ने कहा, मैं तुलना नहीं करना चाहता, ये अलग दौर की बात है। हर बार हमने वहां का दौरा किया, हमारे पास जीतने का अच्छा मौका था। मैं अलग दौर की टीमों की तुलना नहीं करना चाहता। कोहली की धोनी से या फिर पूर्व खिलाड़ियों जैसे राहुल द्रविड़, वीवीएस और सचिन से तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, कप्तानी के साथ काफी जिम्मेदारी भी आती है। उसने अभी तक सचमुच काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यह उसकी सही मायने में पहली विदेशी चुनौती थी। मैं श्रीलंका के दौरे को विदेश की चुनौती नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां के हालात भारत जैसे ही हैं।